नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हमारे पास है अपाचे RTR 180, ठीक है, और ये है वाइट कलर में। आप इसको देख लीजिए पहले अच्छी तरीके से, आपको मैं इसका पूरा ओवरऑल लुक दिखा दूंगा बाइक का। काफ़ी अच्छी है, पूरा स्पोर्ट्स लुक है। और आपका अगर बजट रेंज है 25 से लेके वो 28,000 के आसपास तक का, तो इस कंडीशन की बाइक आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जिस भी सिटी में रहते हैं आप वहाँ पर जाकर ट्राई कीजिए। 180cc आप बाइक आपको मिल जाएगी 25 और 28,000 के बीच बीच में, क्योंकि इसका प्राइस तो 28,000 पर रखा गया है, बट नेगोशिएबल है। जब आप लेने जाओगे, डील करोगे ऑन टेबल बैठ के, तो उसका रेट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस बाइक को पहले देख लीजिए, ओवरऑल लुक मैं आपको दिखा देता हूँ उस बाइक का। नंबर भी काफ़ी अच्छा है इसका, 5858, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इंजन वगैरह बिल्कुल ओके है। और ये 2012 मॉडल है, मैं आपको बताना भूल गया, ये 2012 मॉडल है। और आप देखिए, डबल डिस्क है, फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है और पिछले टायर में भी डिस्क ब्रेक है। और इसके फ्रंट में जो लाइट्स लगी है उसमें भी LED लगी हुई है, जब लाइट्स ऑन करते हैं ना तो दोनों साइड LED चलती है इसकी, तो जो बाइक को मतलब नाइट में काफ़ी अच्छा लुक देती है। तो लाइट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी का आपको मैं इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखा देता हूँ अभी ऑन करके। तो ये देख लीजिए, एक साइड डिजिटल है और एक साइड एनालॉग है। काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाएगी आपको इसके मीटर के अंदर, ठीक है। और ये इसका हैंडल बार देख लीजिए, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 6-7 साल पुरानी बाइक है तो कुछ हो गया होगा, ऐसा नहीं है। साफ़ सुथरी बाइक, अच्छी कंडीशन में। और बैटरी सब ओके है बिल्कुल, मतलब एक सेल्फ मारोगे बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लेने जाओगे ना तो पहले आपको ड्राइव कर लेना बाइक को, अगर आपको पसंद आए तो आगे डील करना, ठीक है। नंबर मैंने इसमें कॉन्टैक्ट का जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप अपनी सिटी में परचेस कर रहे हो तो वहाँ पे भी जाके ट्राई कर लेना, वहाँ पे भी आपको ये बाइक 25 के आसपास ही मिल जाएगी। मतलब वो आपको तो रेट कुछ भी बोल सकते हैं, 30-32 ही बोल देंगे आपको, पर आपको 25 के मतलब अराउंड ही मिल जाएगी। 1-2 हज़ार ऊपर भी हो सकता है और 1-2 हज़ार नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए, स्पोर्ट्स बाइक है, अगर आपको लेना है तो आप ले लेना, क्योंकि ये बाइकें होती है परफॉर्मेंस के लिए। चलाओगे बहुत मज़ा आएगा, बट इसमें आपको माइलेज ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको इसमें माइलेज 35 के आसपास ही मिलेगा, ठीक है ना। 40 तो शायद मिले, पर 35 के आसपास ही मिलेगा माइलेज, क्योंकि इन बाइकों का माइलेज ज़्यादा होता नहीं है। तो जिसने कभी कभी बाइक चलानी, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, किसी ने कॉलेज जाने के लेना हो और मतलब ज़्यादा जो हाईवे वगैरह पर ड्राइव करते हो उनको चाहिए हो, जिनको मतलब दूर जाना हो, तो उनके लिए बाइक काफ़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, RTR की ब्रांडिंग है इसके एग्जॉस्ट पे, तो बाइक काफ़ी अच्छी है। बाकी आप देख लीजिए बाइक को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है ना। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का। ओके फिर, थैंक यू।